अमेरिका की ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई अंधाधुंध फायरिंग में 9 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है। हमला उस वक्त हुआ जब यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग बिल्डिंग में एक एसयूवी गाड़ी घुस आई। हमलावर गाड़ी से उतरा और मौके पर मौजूद छात्रों पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना से कैंपस में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस दौरान पुलिस की ओर से की गई गोलीबारी में हमलावर मारा गया और कई छात्र घायल हो गए। हमले में गंभीर रूप से घायल छात्रों को यूनिवर्सिटी के वेंगसनर मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हमलावर सोमालिया से आया और एक शरणार्थी था और कानूनी तौर पर अमेरिका का स्थायी नागरिक बन चुका था। आपको बता दें कि ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसमें करीब 60,000 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। चरमपंथी हमले के शक के चलते जांच में जुटी स्थानीय पुलिस को अमेरिका की खुफिया जांच एजेंसी FBI का भी सहयोग मिल रहा है। देखते रहिए DB Live।